तो आज की वीडियो में हम लोग स्नीक इन करने वाले हैं किंग के कॉन्सर्ट में। तो किंग ने अनाउंस कर दिया था अपना नया इंडिया टूर। हमें जैसे ही पता चला कॉन्सर्ट जयपुर में होने वाला है, हम वहाँ पर आ गए। तो गाइस यार आज है 3 तारीख और कल शाम को है कॉन्सर्ट यहाँ पर JECC में जयपुर में। तो गाइस यार हम लोग यहाँ पर पहले ही आ चुके हैं थोड़ी प्लानिंग करने, क्योंकि गाइस यार हम लोग स्नीकिंग करने वाले कॉन्सर्ट के अंदर बिना टिकट के। हाँ गाइस यार, पर प्रॉब्लम ये पहले हमें पूरा देखना पड़ेगा कि हम कैसे अंदर जा सकते हैं कैसे नहीं जा सकते। तो हम उस लोकेशन पर एक दिन पहले इसलिए पहुंचे क्योंकि हमारे पास कोई भी प्लान नहीं था, हमको सारे प्लान उसी टाइम बनाने थे, इसलिए हम अलग अलग लोकेशंस देखने लग गए अंदर जाने के लिए। अभी हम ढूंढ रहे कोई रास्ता यहाँ से जाने का, और आप देख सकते यहाँ से हम कूद के जा सकते हैं, पर क्या पता यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड आ जाए कल, भरोसा नहीं है। तो गाइस यार फिलहाल बताऊँ क्या कंफ्यूजन, आप देख रहे हो अंदर वो कितनी बड़ी बिल्डिंग है, वो क्या उसके अंदर कॉन्सर्ट होने वाला है या फिर ओपन में होगा, यहाँ पर एक गार्डन है बड़ा सारा या वहाँ पर कॉन्सर्ट होगा। अगर गाइस यार ओपन में कॉन्सर्ट होता है तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट अंदर कूद के जा सकते हैं और वो काफी इजी होगा, बट अंदर अगर उसके अंदर होगा ना कॉन्सर्ट, उसके अंदर लाइक वो बिल्डिंग के अंदर, तो गाइस यार वहाँ पर देख रहे हो आप लोग गेट्स है यार, गेट्स पे पक्का सिक्योरिटी खड़ी रहेगी और उन सिक्योरिटी को क्रॉस करके जाना सेमी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो फिलहाल हम लोग देख ही रहे हैं कि कैसे करने वाले हैं, चलो। तो उसके बाद हम और भी रास्ते खोजने लग गए अंदर जाने के लिए। गाइस यार अभी हमको एक रास्ता मिल चुका है अंदर जाने का, आप देख सकते यहाँ से अगर अंदर घुस जाए तो जा सकते हैं अंदर, इसको भेजेंगे अंदर। हाँ मैं तो चूहा हूँ, इसके अंदर घुस जाऊंगा। इस जगह से चढ़ना बहुत ही ज्यादा इजी होगा, पर इसके आसपास बहुत सारे लोग घूम रहे हैं और एक दुकान भी है, तो इधर से तो नहीं जा सकते। तो हमने पूरे ग्राउंड के चक्कर काट काट के बहुत सारी लोकेशंस ढूंढ ली है। लोकेशन नंबर 1 ये है सेकंड एंट्री गेट, और ये थर्ड और आखिरी गेट एंट्री करने के लिए। तो हमने 3-3 जगह ढूंढ ली एंट्री करने के लिए। अब आएंगे हम कल कॉन्सर्ट वाले दिन, देखते हैं क्या होता है। The next day. तो गाइस यार आज होने वाला है कॉन्सर्ट, और अभी हम यहाँ पर आ चुके जहाँ पर कॉन्सर्ट होने वाला है। हमको वैसे 4 बजे आना था 2 घंटे पहले, पर अभी लेट हो चुके ट्रैफिक के चक्कर में। अब गाइस यार तरीका ढूंढना अंदर जाने का, और जैसा कि मैंने देखा यार फिलहाल तो यार बताऊँ क्या है, एंट्री की जो जगह है वो सिर्फ एक है यार, मतलब एक है, मेल फीमेल लिखा हुआ है बस यार, डायरेक्ट अंदर जाओ और कोई तरीका ही नहीं दिख रहा मेरे को अंदर जाने का। और गाइस यार हमने कल देखा था कि काफ़ी बड़ी जगह थी, पर गाइस यार जो कॉन्सर्ट है वो बिल्कुल ऐसे ऐसे जगह पर हो रहा है भाई, बिल्कुल ही अंदर घुसने का कोई तरीका नहीं, पर देखते हैं अंदर घुस पाए या ना घुस पाए, चलो गाइस यार देखते हैं। तो वहाँ पे जाते सबसे पहले हमें कैमरा क्रू दिखा, तो हमने सोचा उन कैमरा वालों से पूछ लेते हमें उनके कैमरा बैग्स के अंदर बिठा दो, जैसे अंकल को बिठा रखा है। तो यार अभी हम बैग वाले की बात करी, हमने बोला बैग के अंदर बैठ जाए, तो उन्होंने बोला निकल जाए से वरना बहुत मारेंगे। तो कॉन्सर्ट जाने के लिए मेन गेट उस साइड पर है, पर ये है गेट नंबर 3, और यहाँ से हम घुसने वाले हैं अंदर। ओ एक सेकंड, गेट खुला हुआ, क्या भी हमें एक गेट खुला दिख गया, तो हम तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए और फिर हम वहां से चढ़ गए। अरे देखो मुझे कितना ज्यादा खुश हो गए थे हम अंदर आके, हमें लगा हम अंदर पहुंच गए, पर ये इतना इजी नहीं था। इधर तक आने की तो एंट्री वैसे ही फ्री थी, यहाँ से पास लेके सभी लोग अंदर जा रहे थे। हमारे पास ना तो पास था ना ही पास खरीदने के पैसे, पर हमारे पास एक खतरनाक सा प्लान जरूर था। हमारा कल का जितना हमने प्लान बनाया था वो तो पूरा का पूरा खराब हो चुका था, इसलिए हम ढूंढने लग गए और भी नए नए रास्ते ताकि हम अंदर जा पाए बिना पास के। फिर हमने सोचा यार पास की क्या जरूरत है, सीधा मेन गेट से अंदर घुसते हमें कौन रोकने वाला है। और फिर हमने मेन गेट पर ये देखा, छोड़ो क्यों ही जाना अंदर, इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स, सिर्फ वही लोग अंदर जा सकते थे जिनके पास ये येलो कलर का पास था, और हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। फिर हमने प्लान बनाया, तो ये है वो एरिया जहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्सर्ट होने वाला है, और ये है JECC की बिल्डिंग, और हम है यहाँ पर। तो हमने 3 रास्ते ढूंढे अंदर जाने के, सबसे पहला यहाँ पर यार खाना बन रहा है जो कि डायरेक्ट रास्ता जाता है अंदर के लिए, और दूसरा रास्ता है जो मेन गेट है पर वहाँ पर बहुत सारे बॉडी गार्ड्स खड़े, और तीसरा रास्ता VIP एंट्री, वहाँ पर भी बहुत सारे गार्ड्स खड़े हैं। तो बॉडी गार्ड्स के बीच में से तो नहीं जा सकते, इसलिए हम जाने वाले सबसे पहले हलवाई वाले रास्ते से। इधर है सब लोग, हम वहाँ पर जा ही रहे थे, ये फिर एकदम से पता नहीं कौन से अंकल आ गए, सबको बाहर बुलाने लग गए, इसलिए हम वहाँ से भाग गए। तो ये वाला तो हमारा प्लान फेल हो गया। अब हमारा दूसरा रास्ता था VIP एंट्री वाले गेट से जाने का, पर वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे, तो वहाँ पे घुसना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अब बचा हमारा मेन गेट, हम इधर से जा सकते थे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे, बहुत सारे लोगों की भीड़ होने की वजह से यहाँ पे जाना थोड़ा इजी था। उसके बाद हमें एक बंदा मिला, उसका नाम था सार्थक, हमने उसको अपना पूरा का पूरा प्लान
समझाया और उसने बोला वो हमारी मदद करेगा। उसके बाद हमने डिस्कवर करी एक और नई जगह जहाँ से हम करने वाले थे पासिस ट्रांसफर। यहाँ से पासिस देना बहुत ही ज्यादा इजी था और हम सीधा पहुँच जाते फिर अंदर। रुको रुको रुको, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करो। हमने एक चैलेंज लिया, अगर इस ईयर के एंड होते होते हमारे 1000 सब्सक्राइबर होते तो हम 1000 लोगों को खाना खिलाएंगे। और ये सुनने के बाद भी आपने, जी हाँ आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो याद रखना भगवान आपको देख रहा है, तो फटाफट से सब्सक्राइब करो। सबसे पहले सार्थक मेन गेट से अंदर जाएगा, फिर वो इस जगह से हमें पासिस बाहर भेजेगा, फिर उसके बाद सुमित अंदर जाएगा, फिर वो मुझे पासिस भेजेगा, फिर मैं अंदर जाऊंगा। तो हमारा प्लान तो पूरा बन गया था, क्या ये हमारा प्लान काम करेगा? पास को डालने की कोशिश करी तो वो पास तो जमीन पर ही गिर गया, वो तो किसी ने देखा नहीं, इसने हमने एक और ट्राई करके अंदर पास डाल दिया। तो हमारा प्लान तो बिल्कुल सही था, सब बिल्कुल ढंग से काम कर रहा था, पर हमें नहीं पता था ये हो जाएगा कि हम दोनों सक्सेसफुली किंग के कॉन्सर्ट में आ जाएंगे। हमारा प्लान पूरा का पूरा काम कर गया और हम आ गए किंग के कॉन्सर्ट के अंदर। फाइनली हम किंग के कॉन्सर्ट में तो आ चुके थे, बस अब वेट था किंग के आने का। तो अब देख सकते हो मैं सिक्योरिटी गार्ड के कितना ज्यादा पास खड़े और ये मैं बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा है। Are you guys excited for King? Yeah! Make some noise! What the hell? और फिर 1.5 घंटा रुकने के बाद आखिरकार वो टाइम आ गया जिसके लिए हमने इतनी सारी मेहनत करी थी, इतने बड़े बड़े प्लान बनाए थे। जादू दिखाऊं एक? एक मिनट दो, दिखाता हूं। आशिकी में तेरी हम भी ढीठ थे, काफी मारे बंदे काफी काले धंधे, काफी मेरे गाने आज चले तेरे बीट पे, पर तेरी चली आंसू मेरी किसी में नहीं, ऐसी गल बात तेरी किसी में नहीं, क्या घर के मैं भूल आया जो सारे नक्शे, आगे मेरी आंखे जब तुझ पे गई, तो हॉली 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 चली थी शराब तो। तो इसी के साथ
साथ कॉन्सर्ट खत्म हो गया। हमने पूरा का पूरा कॉन्सर्ट एंजॉय किया। हमारे कुछ प्लान काम करे, कुछ प्लान काम नहीं करे, पर जयपुर आना वेस्ट नहीं हुआ, हमने कॉन्सर्ट में एंजॉय किया। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और भी ऐसे खतरनाक खतरनाक चैलेंजेस देखने तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सारी मुद्दतें न मेरे जैसा एक